तो नरूटो एक कमाल का एनिमे है जिसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स और उनकी बैक स्टोरी भी कमाल की है। नरूटो को खास बनाती है उसमें दिखाए गए फाइट्स, ऐसे फाइट्स जिसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स के बीच में बैटल होती है जो नहीं भी तो गॉड लेवल पावर्स को होल्ड करते हैं। और इसलिए आज हम बात करेंगे नरूटो वर्स के टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वेट, ये एक फैन फेवरेट रैंकिंग लिस्ट है क्योंकि मोस्ट पावरफुल नरूटो कैरेक्टर की ऑफिशियल लिस्ट आज तक कभी नहीं आई है। इसलिए यदि कोई तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में ना हो या फिर उसका रैंक तुम्हारे हिसाब से ना हो तो बुरा मत मानना और सब कुछ भुलाकर सिर्फ इस वीडियो को एंजॉय करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम सबका स्वागत है मैजिक वर्स के अनदर वीडियो में। मेरा नाम है जय। यदि तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 5, ओबिटो उचिहा। ओबिटो द ब्रोकन उचिहा, जिसने सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया था। हालांकि ओबिटो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है लेकिन बंदे में दम तो है। ओबिटो काफी ज्यादा स्मार्ट भी है। उसने सबसे पहले नागाटो को मैनिपुलेट किया। अकाशुकी जो सिर्फ रेन विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था उसे एक एविल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। फोर्थ मिजुकागे को अपने गेंजुत्सु में सालों तक फंसा कर रखा और हिडन मिस्ट को ब्लडी मिस्ट विलेज में कन्वर्ट कर दिया। जब से ओबिटो का मंगेक्यू सारिंगान अवेक हुआ था तब से ही उसने अपने आइस को एक गॉड लेवल पर यूज करना शुरू कर दिया था। कोई भी एनिमी जब ओबिटो को मारने की कोशिश करता तो अपनी आइस की वजह से ओबिटो अपने बॉडी पार्ट को कामोई डायमेंशन में भेज देता था जिससे औरों को ये लगता था कि वो लोग उसे छू भी नहीं सकते। लेकिन एट दिस सेम पॉइंट ओबिटो एनिमी को टच कर सकता था और उन्हें डिफीट भी कर सकता था। वॉर आर्क के दौरान जब ओबिटो टेंटल्स का जिनचुड़की बन जाता है तो हाशिरामा ने ये क्लेम भी किया था कि एट दिस पॉइंट ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, यानी कि सीधी सी बात है कि वो उस पॉइंट पर हाशिरामा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नंबर 4, सास्के उचिहा, द लास्ट उचिहा, जिसका एटीट्यूड जितना एरोगेंट था पावर लेवल उतना ही डेंजरस। सास्के का उचिहा मैसेकर के बाद सिर्फ एक ही गोल था, अपने भाई को मारकर क्लैन का बदला लेना। वैसे जब तुम नरूटो शिपुडेन पहली बार देखोगे तो जब भी सास्के को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा वो सीन तुम्हें इरिटेटिंग लगने लगेगा, लेकिन जब सास्के की फाइट दिखाई जाएगी तो तुम स्क्रीन पर से हिल भी नहीं सकते। सास्के बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड शिनोबी था लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं था कि जिससे वो इटाची को हरा सके, इसलिए वो विलेज छोड़ देता है और कुछ सांपों के संग रहने लगता है। वहाँ पर वो पावरफुल तो बनता है लेकिन फिर भी वो इटाची को हराने के लिए काफी नहीं था। लेकिन इटाची वर्सेस सास्के वाले फाइट में इटाची की मर्जी की वजह से ही सास्के फाइट जीत जाता है। सास्के का रियल पोटेंशियल हमें वॉर आर्क में कागुया के अगेंस्ट देखने को मिला था, जहाँ उसके लेफ्ट आई में रीने सारिंगान और राइट आई में एटर्नल मांगेक्यू सारिंगान थी, जिस वजह से वो उस समय पर सबसे पावरफुल डोजुत्सु यूजर था। नंबर 3, हाशिरामा सेंजू, हाशिरामा वुड स्टाइल सेंजू, जिसे गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से भी लोग जानते थे। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हाशिरामा से ज्यादा पावरफुल टेंटेल जिनचुड़की ओबिटो था, लेकिन फिर भी हाशिरामा इस रैंक पर है। इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। वेल, मेरे थ्योरी के हिसाब से पुराना वाला हाशिरामा, यानी जब वो जवान थे और मरे नहीं थे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एडोटेंसी हाशिरामा से। भाई, जिस बंदे ने एटर्नल मांगेक्यू सारिंगान को अवेक कर रखा है और परफेक्ट सुसानो को यूज कर रहा है, उससे इनने कुत्तों की तरह दो दो बार स्माइल करते हुए आया है और दोनों ही बार हाशिरामा स्टार्टिंग से मादरा को मारना नहीं चाहता था। अब शायद तुम लोग हाशिरामा के पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो। और वैसे भी हाशिरामा मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है, तो ये भी एक रीजन है कि मैंने इसे इस रैंक पर रखा है। नंबर 2, मादरा उचिहा। मादरा उचिहा जो फाइट ही इसलिए करता था क्योंकि वो फाइट को रोक सके। हाशिरामा से हारने के बाद उन दोनों ने हिडन लीफ को बसाया और उम्मीद जताई कि अब शायद वर्ल्ड में पीस लाया जा सकता है, लेकिन पीस को इस तरह से अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इसलिए वो इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करने के बारे में सोचने लगा। उसका इंटेंशन भले ही अच्छा था लेकिन तरीका बहुत ज्यादा ब्रूटल था। मादरा उन शिनोबीज में से एक था जो 9 टेल बीस्ट के साथ फाइट कर सकता था। भले ही वो हाशिरामा की तरह इजीली उसे नहीं हरा पाता लेकिन वो उन्हें हरा जरूर देता। मादरा का रियल पोटेंशियल हमें तब देखने को मिला जब वो टेंटेल जिनचुड़की बन चुका था वॉर आर्क में। वो उस पॉइंट पर इतना ज्यादा पावरफुल था कि आदमी फैंस एनिमे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल विलेंस में मादरा का नाम जरूर रखते हैं। पर नरूटो वर्ल्ड में सिर्फ यही एक बंदा नहीं है जो इतना ज्यादा पावरफुल है, बल्कि एक और है जो मादरा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1, नरूटो उजुमाकी, आवर मेन प्रोटैगनिस्ट एंड माय फेवरेट कैरेक्टर। लेकिन ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर नहीं रखा है, बल्कि इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले कुछ लोग कहेंगे कि नरूटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मादरा है, और है भी, मैं मानता हूँ अगर हम वॉर आर्क वाले नरूटो की बात करें तो। लेकिन कुछ लोग भूल चुके हैं कि नरूटो द लास्ट मूवी में नरूटो अकेले ही टोनरी और सोसुकी को हरा देता है, और जबकि उसके पास टेंसेगान भी थी जो रिनेगान से भी ज्यादा पावरफुल डोजुत्सु है। और नरूटो एंड हिनाटा की जब शादी होने वाली थी और उस पॉइंट पर नरूटो इतना ही पावरफुल था और उसे बैटल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया था, उस पर से वो अगर उस पॉइंट पर टेंटल मादरा से भिड़ता तो सिचुएशन भले ही कितनी भी वर्स क्यों ना हो जाती, उसके पास ट्रम्प कार्ड के रूप में बैडियन मोड पड़ा हुआ था। भले ही उसका यूज उसने बोरुटो में किया था, लेकिन उस समय भी नरूटो वैसी कोई सिचुएशन में फंस जाता तो कुरामा डेफिनेटली बैडियन मोड का यूज करने का एडवाइस नरूटो को देता। मैंने इस लिस्ट में ओस्तोस्तुकी और टेलबिस्ट को नहीं जुड़ा है और न ही ये वीडियो यहाँ पर पूरी तरह कम्प्लीट हुआ है।
है, क्योंकि मैं इस वीडियो का पार्ट टू भी जरूर लाऊंगा, तो उसे भी जरूर देखना। लेकिन तब तक के लिए ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।